और ये मेरा मोटर सिंह वड़ा पाव खाते हुए हम अभी बहुत मुश्किल। ओह माय गॉड, ये ऊपर का शॉट ले लिए सारा, ये देखो ये कीड़े ले लिए। हाँ ये कीड़े। गुड मॉर्निंग। सो मैं उठ की सी तो मैं अपने बाल जो है ओपन करने लगी सी। सो आई थॉट कि मैं तुम्हें दिखा देवा कि किदा दे आया, और मैं भी देख लगी कि बने मेरे कर्ल्स। आ हालत सी रात को कोई दिस मेरे बाल तो जुड़े खोल दिया अपने क्लचर एंड ये हुआ हुआ है। और मेरा नेल भी निकलने लग गया यार यहाँ से इतनी जल्दी, एक हफ्ता भी नहीं हुआ अभी तो। लेट्स ओपन। ओ भाई ओ भाई ओ भाई, as you can see them, I'm loving them. Wow, these are very beautiful. बहुत सही हुआ है यार, तुझे खुद देखो हूँ विदाउट हीट कुछ बालों को डैमेज नहीं होगा। इन्हें बढ़िया रहने सुंदर कर्ल्स जो है बालों के हो चुके हैं, जाओ जितने मर्जी करके तुझे जरूर ट्राई करो। हूँ आप मिले थोड़ी देर से रेडी शेडी हो जाए ब्रेकफास्ट कर लेंगे। बाय। हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, हाउ आर यू? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू तरन व्लॉग्स। कैसे हो आप सब लोग? वेरी फाइन, वेरी गुड, आई होप सो। एंड हम भी ठीक है बिल्कुल। सो आज है क्या है आज फ्राइडे, टुडे इज आई गेस 29, यस टुडे इज 29 है इक, टुडे इज 1। सो अभी हम जा रहे हैं, अपना होटल छोड़ रहे हैं आज फिर से, और अपने न्यू होटल जा रहे हैं पाम एटलांटिस, और वहाँ पे बहुत ही अच्छा चिल आउट करना है हमने, वहाँ पे बहुत मज़ा आने वाला है। सो आज मैं हो चुकी हूँ रेडी, दिस इज माई, आपको मेरी होल आउटफिट देखनी है, मैं दिखाती हूँ अभी। सो दिस इज माई होल आउटफिट, ये पहनना है मैंने आज, दिस इज द कोट सेट, ठीक है। एंड आज मैंने आपको दिखा तो दिया, वैसे मैंने कर्ल्स करे हैं बट पता नहीं मेरे बालों में ना कर्ल्स टिक नहीं रहे हैं आज, क्यों नहीं टिक रहे हैं, खुले जा रहे हैं। मैं स्प्रे भी नहीं लेके आई, मेरे पास स्प्रे भी नहीं थी और उसको मैंने स्प्रे करानी है, तो ये खुले जा रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई। लास्ट टाइम जो किए थे वो बिल्कुल ठीक थे, मतलब 1 वीक तक वो स्टे कर गए थे, और अभी ये वाले नहीं कर रहे हैं। सो कोई डर नहीं, कैसे जैसे भी है ठीक है, थोड़ा टाइम तो ही निकल जाएगा। इसको मैंने मतलब करने से पहले इसके ऊपर ड्रायर भी मारा था ताकि थोड़ा सा स्टे कर जाए, बट नहीं करें, कोई आया। इज ऑल्सो रेडी हो चुके हैं और अपना बस खाना पीना शुरू हो गया इनका। कोक पता नहीं कितनी पीनी होती है वैसे, पहली कोक पी रहा हूँ यहाँ की। या झूठ क्यों बोलती भैया, क्या कल किसने पिया है कोक? एक और इसको कोई बताओ कि 2 घूंट पीने को कोक नहीं बोलते। चल मोटे, हाँ झूठ बोलते रहते हो। कब पी है वहाँ पे, कह रहे हो रात को? वो कितनी ठंडी थी, वो नहीं पी गई मेरे से? नहीं पी आपने, वो छोड़ दी। वो सिर्फ मैं जैसे हुक्का पी रहा था ना, हाँ। तो उसके साथ थोड़ा सा गला ड्राई हो रहा था, तो एक एक सिप ले रहा था, वैसे नहीं मैंने पी वो। अच्छा, इतनी ठंडी थी, गला मेरा पहले ही खराब है, वो तो बंद ही हो जाता, आवाज नहीं आती मेरी बार। चलो ठीक है, ओके मान लिया आपने, बोल लिया। वो कम से कम 1/3 कैन बचा होगा, ठीक है। और हमारा पैकिंग भी हो चुका है, हमारी पैकिंग हो चुकी है, तो बस जा रहे हैं हम अभी। एस देखो कितना सुंदर और अमेजिंग लग रहा है ये सारा, बहुत ही एस्थेटिक मार्केट है ये, यूनिक एंड कुछ डिफरेंट है सारा। सो गाइस राइट नाउ वी अराइव्ड एट अल सीफ आए अभी हम यहाँ पे स्टारबक्स, ठीक है। और ये बहुत ही सुंदर प्लेस है, As you all can see this. कौन सा कमीरा? कैमरा। कैमरा बोला था उसने। बस अभी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं जगह को, बहुत सुंदर जगह। लेकिन ओ यहाँ से घड़ी ली है मैंने, रोलेक्स। मैंने देखा था आते हुए रोलेक्स, जो उसमें कैब में मैंने देखा था इसको। ऐसे वाले सिक्के जाएंगे अगली बार। क्या हो रहा है तुझको, ऐसे क्यों हो रही है ये मेरे साथ? पहनने का आता नहीं है ना आपको। गाइस अभी हम गोल सुख जा रहे हैं, गोल सुख थ्रू बॉट, और यहाँ पे टिकट्स वगैरह मिलती हैं और सब लाइन में लगना होता है। ये टिकट है हमारी, और ऐसे टर्न बाय टर्न बोट मिलती है जाने के लिए। हीरा हो कौन से फिल्म के हीरा हो? ठंड लग जा रही है,
और जो कल हमारे डेजर्ट सफारी के वो थे ड्रमर, हमारे गार्ड, हमारे सफारी मैन, हमारे ड्राइवर, तो वो बोल रहे थे कि इस बार जो है अभी ठंड ज़्यादा हो रही है, आगे नहीं होती है इतनी, तो इस बार ठंड ज़्यादा हो रही है, आगे नहीं होती इतनी, इतनी ठंडी हवा, और अभी देख सकते हो ये सब चीज़ें, बहुत ठंडी हवा है और रात को थोड़ी ठंड हो जाती है, रात को तो जैकेट वगैरह पहनने की नीड होती ही होती है, मतलब डे में दिन में चल जाता है क्योंकि धूप भी है साथ में हवा चल रही है, पर अगर मैं अभी छाँव में खड़ी थी मुझे बहुत ठंड, सो बस ये वेदर है, वेदर का सीन है अभी यहाँ पे। अब हम बैठ गए हैं बोट में, बस हमारी बोट चलने के लिए हम यहाँ पे ओल्ड बलाडिया स्ट्रीट पे आए हैं, तो हम बस यहाँ से रास्ता है गोल्ड स्ट्रीट जाने का, इसके अंदर से ही है आगे गली। हाँ बस हम जा रहे हैं वहीं पे, बहुत रश है ऑलरेडी बाहर ही। हाँ रश तो है, इधर देखो कोई आएगा तो वो सामने बोट से उतर के सीधे ही आ जाना है रोड क्रॉस करके अंदर। टॉप्स हैं बहुत सारी, बहुत ज़्यादा रश, तो आप देख सकते हो काफ़ी सारी शॉप्स हैं गली वे, एंड ये देखो कितना सही मूविंग स्टैंड, बहुत ही सही लग रहा है ये। ये भैया मैं कह रहे हैं बहुत अच्छे परफ्यूम दूंगा मैं। ये हम आए हैं फ्रेग्रेंस बुलेवार्ड। नहीं भैया ये मेमोरीज, अच्छा खुशबू है यार ये। कैसे आप लोगों को भी दिख गया होगा, ये मार्केट देखने में बहुत वो लग रही है, क्या लग रही है, एक्सपेंसिव। बहुत ज़्यादा गोल्ड है यहाँ पे, जो भाई गोल्ड सुख आया और इसकी फोटो और वीडियो नहीं लगी तो हो ही नहीं सकता, बहुत ज़्यादा गोल्ड। यस ब्रो लेट्स मूव अहेड, यहाँ पे मालाबार भी है लेना था। और ये मेरा मोटर सिंह वड़ा पाव खाते हुए, हम अभी बहुत मुश्किल से यहाँ पे एक शॉप मिली है खाने की और बहुत भूख लगी हुई थी, सही है कैसा है, बहुत भूख लगी थी सुबह से, सिर्फ ब्रेकफास्ट करा हुआ है, हल्का हल्का भी नहीं था, ठीक था वो, पर अभी 5 बज गए हैं, मैं तो बहुत अभी कैसा है, गुड, अब मैं खाऊं, और अभी हम खा रहे हैं पाव भाजी, वड़ा पाव जो खाया हमने बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, मुझे सच में अच्छा लगा यार वो ज़्यादा, पर अभी ये पाव भाजी खा रहे हैं, अभी बहुत अच्छी है, बिल्कुल इंडियन स्टाइल है ये। सो गाइस हम आ चुके हैं अपने अटलांटिस, थैंक यू। पहुंच गए हैं जी फाइनली हम अपने दी पाम अटलांटिस, और अभी इसकी एंड अटलांटिस द पाम, ओ पाम जगह का नाम है अटलांटिस, यहां होगी ओके, अलग ही वाइब आ रही है अभी एंटर करते ही, देख सकते हो ब्यूटीफुल प्लेस, ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी। यार क्या जगह यार, इतनी क्या जगह है मुझे समझ नहीं आ रहा यार ये, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये ऊपर का शॉट ले लिए सर, ये देखो ये कीड़े ले लिए, हाँ ये कीड़े। सो गाइस अभी हमें रूम मिल गया है 19th फ्लोर पे, बट यार जगह की वाइब है सच्ची, कौन सा नंबर है, 407, ओके वाओ अमेजिंग, एंड फ्रेग्रेंस देख रहे हो, खुशबू देख रहे हो कोरिडोर के बीच भी, जो फ्लैट सुनते ना मैं उदे लग रहा है मोटे, अगर हमारे ऐसा घर हो तो है ना, अगर हम
गुड मॉर्निंग फ्रॉम अटलांटिस द फार्म। एंड अभी हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए, और अभी आप देख सकते हो कि क्या व्यू एंड कितना अमेजिंग ये होटल है। वाओ, व्हाट आर यू फिश, देखो व्हाट है ये, देखो इधर फिश वोगली। ओ बॉय, मोटे मेरा अंदर जाने का मन कर रहा है यार, बहुत मन कर रहा है सच में। कितना मजा आ रहा होगा ना इनको अंदर, पहले तैरना भी आना चाहिए उसके लिए। और यार आपने क्यों नहीं सीखा तैरना यार, आपको आता है? मेरे को तो आता है। ठीक है, डूब जा, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, अंदर जाके डूब जाओ, फिर आता है जो आपको। मैंने पूंछ मारी ना, कितनी क्यूट लग रही है यार ये। आ देख, हां मोटे, यहां तो बहुत सुंदर सुंदर फिशेस है ना, ये देखो गंदी गंदी सी नहीं है। हां और देखिए, आंख देखिए, आगे बल पड़े कि ये पता नहीं दे ना फिशेस। सो गाइस, अभी हम रेडी हो चुके हैं और अभी बस हम निकले हैं, अभी मिरेकल गार्डन जाएंगे। तो अभी हमारे पास थोड़ा टाइम था क्योंकि हमारे दोस्त, हमारे पार्टनर्स जो हैं वो रेडी हो रहे हैं, तो टाइम लगेगा। और हम तैयार होके आ चुके हैं, तो हमने सोचा कि चलो एक्सप्लोर कर लेते हैं अभी, क्यों टाइम अपना वो करना। राइट। और ये फिशेज यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सुंदर फिशेज हैं, बहुत ही सुंदर व्यू है ये वाला एक्वेरियम। मतलब उसे देखा ना कितना ही बनाया हुआ थल्ले भी सारे, उन्होंने स्टैटिक जब पुराना टाइप था पता नहीं, बिल्डिंग हो सकती है कोई बनी हुई, बिल्डिंग जी हुई है यहाँ कोई। ये ब्लू वाले फिशेस, इनके कोई कार्टून आते थे जो मुझे पता नहीं है, किसी को पता है तो कमेंट करके बताना। बहुत सारे कार्टून थे, बहुत बढ़िया वाले। ये पीछे देखो फिश, बड़ी वाली, ये नहीं जा रही यहाँ से, ये भी आ रही है हमारी तरफ। सबको लेके जाएंगे अंदर, मजा आएगा। जब एक बंदा जाएगा उसको कुछ नहीं होगा, फिर हमें हमारी हिम्मत पड़ेगी, हमारी तब हिम्मत पड़ेगी। जब एक बंदा जाके बाहर आएगा तब हिम्मत पड़ेगी। आपको तो खींच के ले जाना पड़ेगा, अपने आप तो आपने जाना नहीं है कहीं पे। सो गाइस, अभी हम पहुंच गए मिरेकल गार्डन, और आओ इधर आ जाओ। और भाई रश तो आप पूरा देख ही लो, यहाँ पे बहुत बहुत ही ज्यादा रश है, वेरी क्राउडी। इधर से जाएंगे हम, उधर से बाहर आएंगे। अरे मैं पीछे से बना लूंगा ना। वीडियो क्यों बनाना है, टाइम ज्यादा है, आराम से फोटो निकाल लिए। वीडियो भी बनाना भैया, वीडियो बनाना यार, व्लॉग्स के लिए। आदि भाई बना लो यार, हम निकल पड़े हैं। बग्गी करनी है यहां पे, बग्गी 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 नहीं, क्या बोलते हैं इसको, कार क्लब की बग्गी बोलते हैं, बग्गी बोलते हैं, बग्गी बोलते हैं। या बग्गी तो यार रेगिस्तान में चलती है। बाय बाय, और हम बैठ गए और अभी हम जा रहे हैं बस। अब इस पे ही पूरा हम अपना सारा इस पे देखेंगे 1.5 आवर में। मैं डर के गिर गया, अच्छा लग रहा है यार, बहुत कलरफुल बना हुआ। इधर चलो पकड़ो फोन को, इसमें ज्यादा आएगा ना। तो ओ वाओ, हर्ट 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 बना हुआ है, देखो डबल। देखिए ये पिक्चर का भी पॉइंट है ये वाला, ठीक चलो। सो गाइस, अंदर देखो अंदर ये क्या अम्ब्रेला से नाल बनाया हुआ है, डॉम टाइप है ना, डॉम शेप, बहुत सुंदर है। तो लोगे चलिए हूं अपन भाई, बार बार का सर्कल तो मैं ऐसे भी देख लेंगे। हाँ भाई, अंदर वाला सर्कल अच्छा है ना ज्यादा, अंदर वाले में फोटो पकड़ लेने के लिए। हाँ अंदर लेके चलो आप, पहले अच्छा है ना, जो मेन घूमने वाला वो दिखाओ, बार बार से नहीं हमें देखना। हाँ जो अंदर आप वहाँ लेके चलो, अंदर तो आप लोग खुद ही दर्शन पड़ेगा। अरे भाई उसके सामने तक तो लेके चलो, उसके सामने तक खड़ा करके हम आपको बना दूंगी। तो इधर देखो, आ गया
So guys, that is, I don't know what. जिन के साथ यार कहाँ है। हाँ इनका रहता था यार, ये रहते हैं। चलो चलो चलो, ये रह गए हमारे पास। हाँ रोटेटिंग फ्रॉक्स। और ये अभी हम एंटर हो चुके हैं लॉस्ट चैम्बर एक्वेरियम में। हम घूम जाएंगे, मुझे इसका नाम क्या रखा है, लॉस्ट चैम्बर, क्योंकि हम घूम जाएंगे इसमें। अरे फिशेस देखो यार, सोनी और कितनी भारी होगी यार, फिश मोटे किड्डी होगी ना। सही गल है, 10 किलो तक फिश होगी, 2-4 दिन लगने इन खाने। ये रहते बच्चे सारे है ना, पता नहीं। आओ चलो चलिए, चलो चलो। ओए 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 ओए, ये क्या है, पता नहीं यार, बट बहुत सुंदर है जो भी है। कैमरा भी इतनी सुंदर नहीं आ रही है जितनी इसमें आ रही है। और ये देखो ये वाली भी कार्टून आते हैं मोटे, ये वही वाली फिश है। हाँ बहुत अच्छा आते हैं ये, ऑरेंज एंड ब्लू दोस्त होते हैं, दोस्त फ्रेंड्स। और ये देखो पास पास ही है आज भी ये। चलो ये कैसे निकले हुए यहाँ से फिशेस, शाम टाइम है देखो। हेलो, हाँ डर भी लग रहा है देख के, भाई यहाँ के हैं देखो। बटे वो आप खड़े, बटे वो आप खड़े, ओ डायरेक्शन के लिए होता था ये। हाँ ये आप कैसे खड़े हो यार बटे, आपको किसने खड़ा दिया यहाँ पे, मुंह हवा में लटक रहा हूँ, आपका मुंह बंद करके। रेड फिश और जा भी कैसे रही है, ओए होए होए माय गॉड, बाहर आ रहा है ये वाला, देखो बाहर आ रहा है ये पूरा बाहर आ, पूरा बाहर आ, ये देखना ये नीचे ऊपर, अरे भाई कितनी बड़ी फिश है, असली ही है ये, असली है। हाँ ये भारी हो गया, इससे मोटे तैरा नहीं जा रहा क्या, ये देखो ये बली नीचे रुकी हुई है। कैसे रुकी हुई है, उसका मन है, पानी पी जा रही है, देखो पानी पी जा रही है वो। और अब सीखा जा रहा है कि चॉपस्टिक से कैसे खाते हैं, इसको पता क्या चलाना होता है, इसको जैसे वो स्वेटर बुनते हैं वैसे। दे दो भाई खाना जल्दी, हमें भूख लगी है। सो गाइस हमने यहाँ पे ऑर्डर करे हैं एग फ्राइड राइस एंड एक और डिश करी है, उसका मुझे नाम तक तो बिल्कुल नहीं पता क्या है। थाई हुई है कुछ उसमें, थाई करी विद पता नहीं कौन सी सॉस वाले राइस, जैस्मिन राइस पता नहीं क्या है। और ये आ चुके हैं कुछ अजीब सी डिश, थैंक यू फ्राइड राइस। अरे यार आई लाइक थाई ग्रीन करी।